अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो ये वीडियो जो है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड आप कह सकते हैं कि जो टॉप नॉच के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो इकट्ठे किए हैं मैंने आपके लिए। आपको कहीं भी नहीं मिलने के क्वेश्चन, मैंने बड़ी डिफरेंट सोर्सेज से ये कलेक्ट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ब्लू ब्लू कैबिनेट इज़ इनफॉर्मली लिंक टू अर्ना सोलबर्ग्स पार्लियामेंट। कैन यू आइडेंटिफाई द कंट्री अर्ना सोलबर्ग बिलोंग्स टू? ब्लू ब्लू एक पार्लियामेंट का नाम है जी, ठीक है, ब्लू ब्लू पार्लियामेंट। तो ये अर्ना सोलबर्ग के पार्लियामेंट से कनेक्टेड है। तो आपसे पूछा गया कि अर्ना सोलबर्ग जो है ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, आप ये बताएं। तो इसका जवाब जो है वो है नॉर्वे, ठीक है। अर्ना सोलबर्ग जो है वो नॉर्वे से बिलोंग करती है। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, और अर्ना सोलबर्ग जो है इसको आयरन अर्ना भी कहा जाता है, ठीक है जी। जैसे मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी कहा जाता था ना, इसकी उससे मतलब उन्होंने ये बोरो करके इसको भी आयरन अर्ना कहना शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो ब्लू ब्लू कैबिनेट जो है ये इसका कैबिनेट है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये देखें, अर्ना सोलबर्ग इज़ आल्सो नाउन एज आयरन अर्ना। क्वेश्चन नंबर टू, ओके, बुहारिज्म एंड कन्वर्टेड डेमोक्रेट इज़ एस्क्राइब टू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? बुहारिज्म, ठीक है, ये एक टर्म है, और कन्वर्टेड डेमोक्रेट, ये जो कन्वर्टेड डेमोक्रेट का टाइटल है या इसको आप कह सकते हैं एक टाइटल इसने खुद अपने आप को दिया हुआ है, तो ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ रिलेटेड है? तो इसका नाम है जी नाइजीरिया, कंट्री का नाम है, और उसके प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद बुहारी, ठीक है। बुहारी वाज मिलिट्री जनरल हु टॉपल्ड नाइजीरियन गवर्नमेंट एंड बिकेम प्रेसिडेंट। बुहारी मिलिट्री जनरल था, तो इसने जो सिविलियन गवर्नमेंट थी कॉप डी एट के ज़रिए, ठीक है ना, उसको गिराया और फिर उसका खुद सदर बन गया। तो ये खुद को अब कहता है जी मैं कन्वर्टेड डेमोक्रेट हूँ, ठीक है। ये मिलिट्री जनरल था, मिलिट्री के ज़रिए आया, तो अब कहता है कि मैं कन्वर्टेड डेमोक्रेट हूँ। तो इसी के साथ ये टर्म एसोसिएटेड है बुखारीज़म, ठीक है। और आप ये भी याद रखें, नाइजीरिया जो है इसका कैपिटल है अबूजा, और नाइजीरिया अफ्रीका में पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीतो इज़ दी निक नेम ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? नीतो जो है ये किस कंट्री के प्रेजिडेंट का निक नेम है? तो इसका सही जवाब है पनामा। पनामा कंट्री है जी, और इसके प्रेजिडेंट का नाम है लॉरेंटिनो नीतो कोर्तिजो कोहेन, ठीक है। ये नीतो आ गया, तो इसको उन्होंने निक नेम बनाया हुआ है नीतो। तो आपने याद रखना है पनामा के जो प्रेजिडेंट हैं लॉरेंटिनो नीतो, उनको नीतो कहा जाता है, निक नेम है उनका। क्वेश्चन नंबर फोर, मैरितो इज़ द निक नेम ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? मैरितो, पिछला नीतो था, ये मैरितो है। तो इसका जवाब है मैरियो एब्दो बेनिटेज़, ठीक है। मैरियो एब्दो बेनिटेज़ जो है, बेनिटेज़ जो है ये पैराग्वे का मतलब प्रेजिडेंट है, पैराग्वे का। पैराग्वे साउथ अमेरिका में है, और पैराग्वे का कैपिटल है सनशियान। तो इसके जो प्रेजिडेंट है मैरियो एब्दो बेनिटेज़, इनको मैरितो कहा जाता है, निक नेम है। ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैमीर जोले इज़ नेशनल रेलवे कंपनी ऑफ। तैमीर जोले, ठीक है, ये एक कंट्री की नेशनल रेलवे कंपनी है, जैसे पाकिस्तान रेलवे है ऐसे ही एक रेलवे कंपनी है। तो इसको किस मुल्क की ये रेलवे कंपनी? इसका जवाब है जी काजगस्तान, ठीक है। काजगस्तान का कैपिटल कौन सा है? आस्ताना है, ठीक है, या आस्ताना है, अब उन्होंने चेंज करके नूर सुल्तान रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुबली पार्टी इज़ अ पोलिटिकल पार्टी इन विच अफ्रीकन कंट्री? जुबली पार्टी एक पोलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जुबली पार्टी, तो ये किस कंट्री की? ऑप्शन, इसका जवाब जो है वो है कीनिया, ठीक है। कीनिया की जो पार्टी है, पोलिटिकल पार्टी, वो है जुबली पार्टी। और कीनिया का कैपिटल कौन सा है? कीनिया का कैपिटल है नैरोबी, ठीक है। और कीनिया का कैपिटल जो है ये दुनिया का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कैपिटल भी कहलाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो नेशनल पार्क के तौर पर वो वक्फ किया हुआ है। ये देखें वाइल्ड लाइफ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोमो केनियाटा वाज़ द फाउंडिंग फादर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट इन ऑफिस ऑफ विच कंट्री? जोमो केनियाटा जो थे ये फाउंडिंग फादर भी थे ये कंट्री के, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, जो कि 1964 से लेकर 1978 तक प्रेसिडेंट रहे हैं। तो किस कंट्री के थे? इसका जवाब है जी कीनिया, ठीक है। कीनिया के प्रेसिडेंट भी थे, फाउंडिंग फादर भी थे, ओके। ये देखें, उहुरु केनियाटा इज़ करंट एंड फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया, ही इज़ द सन ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो इस वक्त 2020 की बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो उहुरु केनियाटा है ये कीनिया का प्रेसिडेंट है, और ये चौथा प्रेसिडेंट है कीनिया का, और ये जोमो केनियाटा का बेटा है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ऑरेंज डेमोक्रेटिक मूवमेंट इज़ इन विच कंट्री? ऑरेंज डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक जमहूरी मूवमेंट है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में PDM है, तो ये किस कंट्री में है? इसका सही जवाब है कीनिया में है, ठीक है, ऑरेंज डेमोक्रेटिक मूवमेंट कीनिया में है। इसके जो चेयरमैन है वो है रेला और डिंगा। ओके, नेक्स्ट है जी, टोब वान पोलिटिकल पार्टी इज़ इन विच कंट्री? टोब वान पोलिटिकल पार्टी जो है ये किस कंट्री में है? टोब वान, इसका सही जवाब है किरीबाती। ओके, किरीबाती, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन फॉर्मर प्रोफेशनल फुटबॉलर टू बिकेम हेड ऑफ अ स्टेट? कौन प्रोफेशनल फुटबॉलर है फॉर्मर जो पहले खेलता रहा फुटबॉल, प्रोफेशनल था, बड़ा फेमस था, तो वो अब किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है? इसका जवाब है जी जॉर्ज वह, ठीक है। और ये किस कंट्री का प्रेसिडेंट है? ये जनाब प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया। लाइबेरिया का कैपिटल कौन सा है? मेरे ख्याल से मोनरोविया है, चेक कर सकते हैं आप। लेकिन सवाल जो है वो आप समझ गए होंगे कि प्रोफेशनल फुटबॉलर था, काफ़ी ज़्यादा फेमस था, तो ये लाइबेरिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिस्टोटल यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन? अरस्तु यूनिवर्सिटी, उर्दू में कह सकते हैं एरिस्टोटल यूनिवर्सिटी जो है ये किस कंट्री में है? इसका जवाब है थेसालोनिकी, ग्रीस, तुर्की के पास है ग्रीस, ठीक है, एथेंस यूनान, तो उसका इलाका या शहर है थेसालोनिकी। ओके, यहाँ पे लोकेटेड है एरिस्टोटल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, एमलो इज़ द इनिशियल नेम ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? एमलो जो है ये किस कंट्री के प्रेजिडेंट के इनिशियल्स का नाम है? तो इसका जवाब है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर, मैक्सिकन प्रेसिडेंट है इस वक्त, लेकिन क्वेश्चन में वो ज़्यादातर पूछेगा लोपेज ओब्रेडर। ओके, लेकिन फेमसली एमलो भी कहला रहा है, उसको एमलो भी कहते हैं क्योंकि ये उसके इनिशियल्स बनते हैं। ये देखें, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर मैक्सिकन है, इसके निकनेम है लोपेज ओब्रेडर हैज़ हेल्ड अ वैरायटी ऑफ निकनेम्स थ्रू आउट हिज लाइफ इंक्लूडिंग एल मोलिदो, एल अमेरिकानो, द अमेरिकन, ला पेड्रा, द रॉक, एल कमांडेट, द कमांडर, एंड द मोस्ट पॉपुलर अमंग देम इज LPG, नेम्ड आफ्टर द कॉमन टबैस्को फिश पेजिल गार्तो, ठीक है, तो ये सारे उसके निकनेम में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्री लिमो वाज अ लिबरेशन मूवमेंट एसोसिएटेड विद? फ्री लिमो एक आज़ादी की मूवमेंट थी, तो ये किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड? इसका जवाब है मोजम्बिक, ठीक है, मोजम्बिक के साथ एसोसिएटेड थी, मोजम्बिक लिबरेशन फ्रंट इसको कहते हैं, फ्री लिमो। ये देखो, MO का मतलब है मोजम्बिक, LI का मतलब है लिबरेशन, और FRE का मतलब है फ्रंट। ओके, मोजम्बिक लिबरेशन फ्रंट, फ्री लिमो बन गया। तो ये फाउंड हुई थी बेसिकली 1962 में, दारुल इस्लाम तंजानिया में फाउंड हुई थी, ठीक है, तंजानिया का कैपिटल है दारुल इस्लाम। तो मोजम्बिक का कैपिटल जो है वो तो है मपूतो, मोजम्बिक मपूतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीसी बॉय इज द निकनेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा, व्हाट इज हिज नेम? सीसी बॉय जो है ये तो निकनेम हो गया जी प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा का, तो उसका नेम बताएं? इसका जवाब है मोगविची मासीसी। ओके, मोगविची मासीसी जो है ये करंट, आज जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज की डेट जो है ये 15 जनवरी 2021 है, तो ये मोगविची मासीसी साहब जो है ये प्रेसिडेंट है रवांडा के, रवांडा का कैपिटल है किगाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल अजीज बौतीफिका रिमेंड प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री फॉर 20 ईयर्स? अब्दुल अजीज बौतीफाका जो हैं ये प्रेसिडेंट रहे हैं एक अफ्रीकन कंट्री के तकरीबन 20 साल, 1999 से लेकर 2019 तक ये रहे हैं, ठीक है, तो किस कंट्री के थे? इसका जवाब है अल्जीरिया के, ठीक है, अब्दुल अजीज बौतीफाका अल्जीरिया के प्रेसिडेंट रहे हैं 20 साल, और अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जायर्स, ठीक है, ALGIR, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। और अल्जीरिया जो है ये अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है, किस हिसाब से? ये उनके एरिया के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल हीरोज़ स्टेडियम, ठीक है, ये नेशनल हीरोज़ एक स्टेडियम का नाम है, नेशनल हीरोज़ स्टेडियम इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री एंड मेंशन द स्टोरी बिहाइंड दिस नेम? ये किस मुल्क में है और इसके पीछे की कहानी भी बताएं? तो इसका जवाब है नेशनल हीरो स्टेडियम लोकेटेड है जैम्बिया में, स्टेडियम इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इन 1993 एयर डिज़ास्टर, ये जहाज़ था DH-5 बफलो, जैम्बियाज फुटबॉल टीम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स मेंबर डाइड इन द क्रैश, ठीक है, 1993 में एक प्लेन जो था वो जैम्बियन की इंटरनेशनल फुटबॉल टीम को कैरी करके लेके जा रहा था, इन्होंने जाना कहाँ पे था, इन्होंने आइवरी कोस्ट जाना था, ठीक है, इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन थी आइवरी कोस्ट थी, ये प्लेन था,
और इसका डिज़ास्टर हो गया, ठीक है, जिसके साथ उनकी सारी जो टीम थी उसमें जितने भी मेंबर थे 25 प्लस थे वो सारे वो मर गए, ठीक है। तो उसकी उनकी याद में इन लोगों ने एक स्टेडियम का नाम रख दिया जी, नेशनल हीरो स्टेडियम, और वहाँ पे उनके लिए इन्होंने मॉजोलियम भी बनाया, ठीक है। हु वाज फाउंडिंग फादर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैम्बिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 24 अक्टूबर 1964। जैम्बिया जो है ये बना है, जैम्बिया कंट्री का कैपिटल जो है वो लुसाका है, ये अफ्रीका में है। जैम्बिया बना है 24 अक्टूबर 1964 को। तो इसका फाउंडिंग फादर और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? इसका सही जवाब है केनेथ कोंडा, ठीक है जी, केनेथ कोंडा, आल्सो नाउन एज के, ओके, के भी कहते हैं इसको, केनेथ कोंडा इसका नाम था। और ये 1964 से लेकर 1991 तक प्रेसिडेंट भी रहा है, फाउंडिंग फादर था ना, तो ये मतलब कितने साल रहे आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिपो लो पोलो इज द निक नेम ऑफ नेशनल फुटबॉल टीम ऑफ जैम्बिया, ठीक है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में उसने आंसर बता दिया, चिपो लो पोलो इज द निक नेम ऑफ नेशनल फुटबॉल टीम ऑफ जैम्बिया। तो इसका मतलब क्या है? चिपो लो पोलो का मतलब है कॉपर बुलेट्स, ठीक है जी, कॉपर बुलेट्स ये उसका निक नेम है जैम्बियन फुटबॉल टीम का, चिपोलो पोलो, तो इसका मतलब बनता है कॉपर बुलेट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर फ्रीडम्स? फोर फ्रीडम्स एक टर्म यूज़ हो रही है आजकल, इसका मतलब क्या? इसका जवाब है द फोर फ्रीडम्स ऑफ द सिंगल मार्केट आर, ये सिंगल मार्केट से रिलेटेड है जिसमें मतलब सेम रूल होते हैं मार्केट के, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड प्रोवाइड सर्विसेज, और लास्ट है फ्री मूवमेंट ऑफ पर्संस, ठीक है, मतलब गुड्स की फ्री मूवमेंट, पैसों की फ्री मूवमेंट, और फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड प्रोवाइड सर्विसेज के सारी सर्विसेज जो हैं ये उनकी आज़ादी हो प्रोवाइड करने की, और लास्ट है जी मूवमेंट ऑफ पर्सन जो है वो भी फ्री होनी चाहिए। तो ये चार फ्रीडम्स हैं जो कि आजकल सिंगल मार्केट के हिसाब से गर्दिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोवी सैड इज सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन विच कंट्री, ये एक सिटी का नाम है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है उस कंट्री में, ये एक यूरोपियन कंट्री है, तो इसका जवाब है जी सर्बिया, ठीक है, सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड, तो सर्बिया का जो बेलग्रेड कैपिटल है उसका जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है वो है नोवी सैड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंट्रीज आउट ऑफ 27 इन यूरोपीय यूनियन आर नॉट शेंजन कंट्रीज? शेंजन का मतलब है जी के सेम वहाँ पे फ्री मूवमेंट है, पासपोर्ट वहाँ पे ख़त्म कर दिए गए हैं, वो आपस में मूवमेंट कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, जिससे अभी अभी रिसेंटली यूके ब्रेक्जिट करके बाहर निकला है, ठीक है। तो 27 कंट्रीज़ हैं यूरोपीय यूनियन में, तो उसमें से पांच कंट्रीज़ जो हैं, इसका जवाब जो है वो पांच है, पांच कंट्रीज़ जो हैं वो उसमें शामिल, शेंजन कंट्रीज़ में शामिल नहीं हैं, बल्गारिया, क्रोशिया, साइप्रस, रोमानिया और आयरलैंड, ये आयरलैंड सॉरी, ये पांच कंट्रीज़ जो हैं, ये पांच कंट्रीज़ जो हैं शेंजन कंट्रीज़ में शामिल नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लेयर पोलसॉक बिकेम द फर्स्ट वुमेन अंपायर टू ऑफिशिएट इन मैंस टेस्ट क्रिकेट इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, विच कंट्री शी बिलोंग्स टू? क्लेयर पोलसॉक जो है ये रिसेंटली एक अंपायर थी, ये फोर्थ अंपायर के तौर पे इन्होंने अभी अपना जिम्मेदारी अदा की है, किस टेस्ट में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मेरे ख्याल से हुआ है उसमें, और इसकी नेशनलिटी पूछी गई है कि क्लेयर पोलसॉक की नेशनलिटी क्या है, इसका जवाब है ऑस्ट्रेलियन है, क्लेयर पोलसॉक एक फीमेल है, ऑस्ट्रेलियन अंपायर है, ठीक है, और शी इज़ जस्ट 32 ईयर्स ओल्ड, तो वो उन्होंने पहली मरतबा पहली वुमेन बनी है जो कि मैन की क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने फोर्थ अंपायर के तौर पर रोल प्ले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मिनी शेंजन एरिया? मिनी शेंजन एरिया का क्या मतलब है? इसका जवाब है इट इज़ एन इकोनॉमिक जोन बिटवीन सर्बिया, अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया एंड कोसोवो, ठीक है। मिनी शेंजन जो है ये एक उन्होंने मिनी शेंजन एरिया बनाया है चार कंट्रियों में, सर्बिया, अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, कोसोवो में, ताकि वहाँ पे फ्री मूवमेंट हो सके, वहाँ पे फ्री कारोबार हो सके, पासपोर्ट और बाकी जो बॉर्डर कंट्रोल्स होते हैं वो भी ना हो, ठीक है, इस वजह से इसको मिनी शेंजन एरिया कहा गया है, ये चार कंट्रीज उसमें शामिल हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज़ लाना रिवर, विच कैपिटल इट फ्लोज थ्रो? ये लाना रिवर है जी, ये उसके सारे कैपिटल से फ्लोज थ्रो करता है, पहले ये दरिया ठीक था लाना रिवर, अब तो इसमें सारा सीवरेज है और ये सारा ख़राब हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये किस कैपिटल से गुजरता है? इसका सही जवाब जो है वो है तिराना, ठीक है, कैपिटल ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया कंट्री है और कैपिटल का नाम है जी तिराना, जहाँ से ये फ़्लो करता है और ये अब सीवरेज का पानी लेकर फ़्लो करता है, क्योंकि इसको उन्होंने इसके सारे का बुरा हाल कर दिया है, तो तिराना कैपिटल से होकर गुजरता है लाना रिवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशिको और मोक्सिको इज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ। मोशिको या मोक्सिको जो है ये लार्जेस्ट प्रोविंस है किस कंट्री का? एंगोला का। ठीक है, एंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल है लुआंडा। ठीक है, और उसका जो लार्जेस्ट प्रोविंस है वो है मोक्सिको। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मेक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ एंगोला। ठीक है, जब आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो आपको मोक्सिको से याद आ जाएगा कि मोक्सिको ही है, मेक्सिको नहीं है। याद करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलो कोलो इज़ अ फुटबॉल क्लब इन विच कंट्री। कोका कोला नहीं है ये, कोलो कोलो है। ठीक है, और ये कोलो कोलो फुटबॉल क्लब किस कंट्री का है? इसका जवाब है चिली। ठीक है, चिली का फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है कोलो कोलो। ओके, और चिल्ली का कैपिटल भी आपको पता है, सैंटियागो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीपल पावर रेवोल्यूशन और EDSA वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन 1986 इन विच कंट्री। पीपल पावर रेवोल्यूशन जो थी ये इवेंट्स थे, एहतजाज था, ये एक अपराइजिंग थी, ये किस कंट्री में थी ये आपने बताना है। इसका जवाब है फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में पीपल पावर रेवोल्यूशन जो है एहतजाज ये हुए हैं 1986 में। ओके, हो गया जी। और फिलीपींस का कैपिटल कौन सा है? मैनीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डब्ड द पनिशर बाई टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन जो है उसने एक किसी ख़ास बंदे को पनिशर का टाइटल दिया है। ठीक है, तो वो कौन बंदा है? इसका जवाब है रोड्रिगो डटर्ट। ठीक है, रोड्रिगो डटर्टे को उन्होंने दिया है जी द पनिशर का खिताब। और क्यों दिया है? द प्रेजिडेंट ऑफ फिलीपींस है रोड्रिगो डटर्ट, और इसको डिगोंग भी कहते हैं, डिगोंग इसका निकनेम है। वैसे रोड्रिगो डटर्ट है प्रेजिडेंट ऑफ फिलीपींस है, और इस बंदे का पीछे जो वायलेंस हुआ है उनकी कंट्री में उसमें इसका नाम है, जिसकी वजह से टाइम मैगजीन ने इसको पनिशर का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाओ इज साउदर्न सिटी इन विच कंट्री। ये एक सिटी है, साउदर्न सिटी है दवाओ। ठीक है, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑप्शन इसका जो सही है वो है फिलीपींस का जो है साउदर्न सिटी है दवाओ। ओके, एक तो होता है ना डेवोस, ये डेवोस नहीं है, दवाओ है। ओके, नेक्स्ट है जी, जर्ब इज़ अ कंजर्वेटिव पॉपुलेशन पॉपुलिस्ट पार्टी इन विच कंट्री। जर्ब एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, ये किस कंट्री में है? इसका जवाब है बल्गारिया में। जर्ब बिलोंग्स टू बल्गारिया। बल्गारिया का कैपिटल कौन सा है? सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ फार्क, FARC। ठीक है, फार्क से क्या मतलब? इसका मतलब है जी रेवोल्यूशनरी आर्म्ड ग्रुप ऑफ कोलंबिया। ये गुरिल्ला ग्रुप है, ये एक रेवोल्यूशनरी आर्म ग्रुप है, फौज है उनकी, किसकी? कोलंबिया की। ठीक है, कोलंबिया का कैपिटल कौन है? बोगोटा। ठीक है, फार्क किससे रिलेटेड है? कोलंबिया से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन बीइंग स्वॉर्न इन हु सेड ही वांट्स पापुआ न्यू गिनी टू बी द रिचेस्ट ब्लैक क्रिश्चियन नेशन इन द वर्ल्ड। कौन है जिसने अपनी ओथ सर्मनी पे, ठीक है, कहा था कि जो मैं चाहता हूँ कि जो पापुआ न्यू गिनी है ये दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर क्रिश्चियन ब्लैक क्रिश्चियन नेशन बन जाए। ठीक है, तो ये कहा था जेम्स मरापे ने। अभी 2020 में ये उनके 2020 में ये उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो जेम्स मरापे ने कहा था कि मैं चाहता हूँ जो पापुआ न्यू गिनी है ये दुनिया में ब्लैक क्रिश्चियंस की सबसे रिचेस्ट कंट्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। तो ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और ये क्वेश्चंस भी बड़े सिग्निफिकेंट हैं, इम्पेरेटिव हैं आपकी तैयारी के लिए। उम्मीद है आपको हेल्प देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।